का न्यू पैटर्न है ईयर 2021-22 के लिए पर पूरा डिटेल में देखिए कोर्स स्ट्रक्चर क्लास इवोल्यूशन स्कीम थ्योरी पेपर के लिए यूनिट फर्स्ट मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर टू नाइन मार्क्स के लिए सेकंड ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर फाइव एंड सिक्स एटीन मार्क्स के लिए और थर्ड मोशन फोर्स एंड वर्क चैप्टर एट एंड नाइन थर्टीन मार्क्स के लिए तो इस तरीके से यहाँ पर केमिस्ट्री है वो नाइन मार्क्स के लिए बायोलॉजी एटीन मार्क्स के लिए और फिजिक्स है वो थर्टीन मार्क्स के लिए टर्म फर्स्ट का सिलेबस है टर्म सेकेंड में क्या आएगा यूनिट फर्स्ट है मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ है वो एटीन मार्क्स के लिए सेकेंड यूनिट ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर थर्टीन एट मार्क्स के लिए और थर्ड यूनिट है मोशन फोर्स एंड वर्क चैप्टर नंबर टेन एंड इलेवन फोर्टीन मार्क्स के लिए तो इस तरीके से टर्म सेकेंड है उसमें केमेस्ट्री एटीन मार्क्स के लिए और बायोलॉजी एट मार्क्स के लिए और फिजिक्स है वो फोर्टीन मार्क्स के लिए है टर्म फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस रहेगा यूनिट फर्स्ट मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर इसमें चैप्टर सेकेंड आएगा पहला चैप्टर नहीं होगा चैप्टर सेकेंड इज मैटर अराउंड अस प्योर सेकेंड चैप्टर है इसके साथ में द थीम ऑफ द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी पोर्शन है ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड में चैप्टर फाइव है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसके बाद में चैप्टर सिक्स टिश्यूज थर्ड यूनिट है मोशन फोर्स एंड वर्क ये फिजिक्स पार्ट है इसमें चैप्टर एट मोशन चैप्टर नाइन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये टर्म फर्स्ट में आएंगे टर्म सेकंड में क्या क्या सिलेबस होगा यूनिट फर्स्ट में चैप्टर थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर फोर स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री पोर्शन है यूनिट थर्ड मोशन फोर्स एंड वर्क इसमें चैप्टर टेन आएगा ग्रेविटेशन चैप्टर इलेवन वर्क एंड एनर्जी आएगा और जो बायोलॉजी पोर्शन है वो चैप्टर थर्टीन आएगा वाई डू वी फॉलोल तो इस तरीके से ये टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का कंप्लीट सिलेबस है थ्योरी पेपर के लिए इसके साथ में सीबीएसई ने कुछ इंटरनल असेसमेंट के लिए सिलेबस दिया है जिसमें अवर इन्वायरमेंट में चैप्टर नंबर फोर्टीन है वो नेचुरल रिसोर्सेज है ये अवर इन्वायरमेंट है इसमें नेचुरल रिसोर्सेज है वो इन इंटरनल असेसमेंट में ये पूछे जाएंगे परंतु जो परीक्षाएं होंगी वो एनुअल एग्जाम है या टर्म एग्जाम है उसमें ये चैप्टर नहीं होगा इसके साथ में प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है आप यहाँ देख पा रहे हैं

एक्सपेरिमेंट के लिए दिया है ए मिक्सचर प्रिपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ए कंपाउंड यूजिंग आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर एंड डिस्टिंग बिटवीन दीज ऑन द बेसिस ऑफ अपेयरेंस होमोजीनिटी लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है वो ये आप देख पा रहे हैं ये टर्म सेकेंड के लिए लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है